माननीय मुख्यमंत्री जी, जब अप्रैल 22 में इसी पुल का सुल्तानगंज के तरफ गिरा था तो सदन में विधानसभा अध्यक्ष मैं थे, मामला उठा था, जांच की रिपोर्ट सदन पटल पर रखने के लिए भी कहा गया था। साल भर से ऊपर हो गया, क्यों नहीं रखा गया? जांच रिपोर्ट में इतना विलंब का कारण क्या है? एक वर्ष से ज्यादा हुआ उसके बाद जांच रिपोर्ट आती है, किसके दबाव में ये रुका रहा? और उसके बाद आप उसी कंपनी को महात्मा गांधी सेतु 17,094 करोड़ की लागत से दिया गया। शेरपुर दिघबारा 6 लेन पुल 3,012 करोड़ की लागत से दिया गया। नया विक्रमशिला पुल 998 करोड़ की लागत से उनको फिर मिला। मोकामा पुल 1161 करोड़ की लागत से मिला। और 700 करोड़ का जो अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल था, उस 1717 करोड़ तक कैसे पहुंचा? समय पर बनाए नहीं, एक्सटेंशन, प्राकलन में संशोधन, आखिर किसके इशारा पर यह खेल हुआ है? ये तो बताना पड़ेगा। और मैं जानना चाहता हूं कि निर्माण करने वाले एजेंसी पर स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगा? उनके तकनीकी विभाग के लोग कर क्या रहे थे? और अब तो सच्चाई ये है कि ऑडिट के नाम पर समय बिताने की चाल और बचने का खेल मुख्यमंत्री जी आपने शुरू कर दिया है। ये भ्रष्ट संस्था को बचाने का खेल आपने शुरू किया है। निर्माण कार्य में देखरेख करने वाले तकनीकी अभियंता और पदाधिकारी की सूची सरकार जारी करे और उनकी संपत्ति की भी जांच करा ले। स्पष्ट हो जाएगा पथ निर्माण विभाग के अंदर दो तो तीन तीन बड़े इंजीनियर पकड़ाए थे, करोड़ों का रुपया पकड़ाया था। क्या हुआ? कैसे उस मामले को दाबा गया, छुपाया गया? ये पैसा किन लोगों तक पहुंचता था? ये स्पष्ट करे सरकार। मुख्यमंत्री जी, तहसीलदारी की जो खेल बिहार के अंदर हो रही है, जनता की गाढ़ी कमाई का बिहार की जनता जानना चाहती है। और उससे भी बड़ा गड़बड़ी कि निविदा प्रक्रिया में बड़ा घोटाला है। सच्चाई तो ये है कि एसपी सिंगला जैसे इनके चहेते कंपनी के इंजीनियर ही निविदा पेपर तैयार करते हैं, उनके सलाह पर तैयार होती है, उनके हिसाब से तैयार होती है, ताकि उन्हीं को ये टेंडर मिल सके। और प्राकलन इतना रिच बनाया जाता है कि अगर जो वो 25% लेस पर भी ले तो उनको घाटा नहीं होगा, दूसरे लोग हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगे। आज भागलपुर का प्राकलन इतना रिच बना कि 25% लेस पर लिया गया है। इसकी जांच हो और एसपी सिंगला के अकाउंट का भी जांच हो, ताकि इसके द्वारा कमीशन किनको किनको गया गया है ये स्पष्ट हो जाएगा। जब जांच सीबीआई से या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से ये कराते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये पैसा कहाँ कहाँ गया है, सरकार में बैठे किन किन लोगों के जिम्मे ये घोटाला का पैसा गया है।